News 18, India. और इन सब के बीच बिहार से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, पटना पहुंचेंगे जेडीयू विधायक और सांसद कल नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है। जेडीयू की बैठक गठबंधन पर हो सकती है। अब इसको लेकर के एक बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है। नीतीश कुमार ने जो जेडीयू की बैठक बुलाई है, अंतिम फैसला पार्टी का वो ले सकते हैं इसमें तमाम विधायकों और सांसदों के साथ कि अब अगला कदम उनका सियासत में क्या होना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कल 28 जनवरी है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है। तो क्या ऐसे में कल मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से नीतीश कुमार अगर लेने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। सियासी उलटफेर के बीच बिहार विधानसभा में एक एक विधायक की अहमियत बढ़ गई। बिहार में आए ताजा सियासी भूचाल के बीच जोड़ तोड़ की कोशिश भी तेज हो गई। नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए आरजेडी और महागठबंधन को 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और उसी जादुई आंकड़े को पाने की जुगत में लालू यादव की पार्टी जुट गई। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों खेमों में हलचल तेज है, क्योंकि बिहार विधानसभा की नंबर गेम के मुताबिक 243 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 122 विधायकों का है। आरजेडी 79 सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं बीजेपी 78 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर की ये दोनों पार्टियां बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से बहुत पीछे है। यही वजह रही कि चुनाव के ठीक बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार के 45 विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन नीतीश ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की सियासी गोटी फिट बैठती नजर आ रही है। तो वहीं बिहार में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए आरजेडी भी जोड़ तोड़ के खेल में जुट गई। इसी वजह से आरजेडी जीतन राम मांझी और ओवैसी की पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश में जुट गई, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के विधायकों की संख्या जोड़ दें तो महागठबंधन के कुल विधायकों की संख्या 114 तक पहुंच जाएगी। और विधायकों का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ही कम होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो महागठबंधन विधायकों का आंकड़ा 118 तक पहुंच जाएगा। इसमें AIMIM के एक विधायक को भी मिला दें तो संख्या 119 हो जाएगी, जो बहुमत से सिर्फ 3 कम होगी। यानी अगर जीतनराम मांझी की पार्टी के 4 और AIMIM का एक विधायक आरजेडी के साथ आ भी जाएं तब भी तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को बीजेपी या जेडीयू के किले में सेंध लगानी होगी। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत आरजेडी के लिए अपने खेमे को मजबूत रखने की है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायकों के फोन नॉट रीचेबल हैं, और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के विधायकों पर बीजेपी की नजर है। और अगर कांग्रेस के किले में सेंध लगी तो कांग्रेस से भी बड़ा झटका आरजेडी के लिए होगा।